Brigadier turned politician Navjot Singh Sidhu said he relinquished his Rajya Sabha membership as he was repeatedly being asked to stay away from Punjab, which he was not prepared to do. Sidhu, during a press conference, said, नवजोत सिंह सिद्धू ने राज्यसभा से इस्तीफा क्यों दिया? राज्यसभा से इस्तीफा मैंने इसलिए दिया क्योंकि मुझे ये कहा गया था पंजाब से तुम दूर रहोगे। धर्मों में सबसे बड़ा धर्म राष्ट्र धर्म, जिससे बड़ा कोई धर्म नहीं, तो फिर कैसे छोड़ दे नवजोत सिंह सिद्धू अपनी जड़, कैसे छोड़ दे नवजोत सिंह सिद्धू अपना वतन, कैसे छोड़ दे उन लोगों को जिन्होंने चार बार 10 साल में इलेक्शन जिताया। पहली बार आदमी जीतता है एक सेलिब्रिटी बनके, दूसरी बार उसका काम जीतता है, तीसरी बार उसका आचरण जीतता है और चौथी बार उसका आचरण व्यवहार और किरदार जीतता है। चार इलेक्शन जीतने के बाद राज्यसभा देके ये कहा जाता है सिद्धू पंजाब से दूर रहो। किसकी इच्छा से, किस वजह से? कोई गुनाहगार है क्यों? अरे पंछी भी उड़ारी मारता है ना, वो शाम को अपने घोंसले में आके टिकता है, ये उसका हक है। और सिद्धू छोड़ के चला जाए पंजाब और दूर रहे निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए, दुनिया की कोई पार्टी पंजाब से बड़ी नहीं, फिर कोई नफा नुकसान हो उसे झेलने के लिए नवजोत सिंह सिद्धू तैयार है। इश्क जिनको है अपने वतन से खुद ही को मिटाते रहेंगे। शम्मा महफिल में पंजाब की जलती रहेगी, सिद्धू जैसे परवाने और भी आते रहेंगे। ये नफे नुकसान की बात नहीं है दोस्त, ये पहली बार हुआ हो तो भी नाकाबिले बर्दाश्त है, लेकिन ये तीसरी चौथी बार हो रहा है। जब पहली बार अमृतसर में इलेक्शन लड़ा, मैं पाकिस्तान में कमेंट्री कर रहा था, मुझे कहा गया सिद्धू जी आप इलेक्शन लड़िए वहां से। मैंने कहा जी 17 दिन है, कहां से लड़ लूं इलेक्शन, ना मेरे पास वैसा कोई धन है। नहीं सिद्धू जी, 6-7 लीडरों के फोन आए, मैंने ना की। फिर वाजपेयी साहब ने कहा कसो कमर कसा और मैदान जंग में आओ, तो चले गए जी वहां। 14 दिन में पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा, 6 बार का एमपी था कांग्रेस का, 9 के 9 एमएलए कांग्रेस के थे, मेयर कांग्रेस का था। 14 दिन में 1.25 लाख वोट से श्री अमृतसर साहब के लोगों ने जिताया। जब आंधियां चलती थी तब तो सिद्धू जाए, फिर केस पड़ा, केस पड़ते ही सिद्धू ने इस्तीफा दिया, 3 मिनट नहीं लगे। उसके बाद एक बड़े लीडर का फोन आया, बेटा तुम अगर चांस लेना चाहते हो तो सरेंडर कर दो, शायद 1% चांस है कि तुम दोबारा इलेक्शन लड़ पाओ। जो हुक्म सर वचन दिया था अमृतसर को कि जब तक आपका एमपी रहूंगा पटियाला नहीं जाऊंगा, घरवाली का मुंह नहीं देखा, मृतशैया पे आ गई, बच्चों का मुंह नहीं देखा, कहा जी सरेंडर कर दो, कर दिया सरेंडर। जाके चंडीगढ़ में सरेंडर किया, उन्होंने कहा जहां केस है वहां लेके जाएंगे। 2.5 साल बाद पहली बार पैर पड़ा पटियाला की जेल में, अगले दिन बेल हुई और कोर्ट ने 1 महीने बाद फैसला सुनाया। मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर 67 साल की जुडिशियल हिस्ट्री में मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर कन्विक्शन स्टे करके उन्होंने कहा जाओ सिद्धू नैतिकता के आधार पे वहां इलेक्शन लड़ो, जरूरत नहीं थी। 90,000 से फिर इलेक्शन जीता, तीसरा इलेक्शन 50 सीटों पे कोई बीजेपी का एमपी नहीं था, 5 उत्तरांचल साफ हो गए। 50 सीटों पे अकेला सिद्धू ऑन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया एमपी। फिर वाइफ का इलेक्शन आया, हारी हुई सीट जीत के 10,000 पे वो दे दी। और जब 4 इलेक्शन जीता 10 साल में नवजोत सिंह सिद्धू, जब मोदी साहब की लहर आई तो विरोधी तो डूबे, सिद्धू को भी डुबो दिया, कहा अब तुम अमृतसर से इलेक्शन नहीं लड़ोगे। अच्छा जी कहां से, कुरुक्षेत्र से लड़ो। अच्छा जी और कहां से,
वेस्ट दिल्ली से लड़ो, ना जड़ मैंने तब छोड़ी, ना नफा नुकसान मैंने तब छोड़ा। कभी देखा नफा नुकसान की बात करते हुए तब नवजोत सिंह सिद्धू को? मैंने कहा नहीं लड़ूंगा मैं, कोई पद की इच्छा नहीं, लेकिन उन लोगों का विश्वास नहीं तोड़ूंगा जिन्होंने चार बार 21 पुश्तों में सबसे बड़ा सम्मान दिया, अमृतसर का एमपी बनाया और मेरी वाइफ को सीपीएस का पद दिलाया। आज कहते हो नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब छोड़ के चला जा, अरे कसूर तो बताओ। उन्हें यह फिक्र है हरदम नई तर्जे जफा क्या है, जुल्म। उन्हें यह फिक्र है हरदम नई तर्जे जफा क्या है, हमें भी शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है। गुनाहगारों में शामिल हैं, गुनाहों से नहीं वाकिफ, सितम करते हैं वो खुदा जाने खता क्या है। जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। यदि नवजोत सिंह सिद्धू को 100 बार अपने परिजन, अपना परिवार, अपनी पार्टी और पंजाब में से चुनना पड़ा तो 100 के 100 बार मैं पंजाब को चुनूंगा, यही मुझे कहना था दोस्तों, और यही हकीकत है। जाएंगे कहां से? अगला राउंड क्या है? कहां जाएंगे? जहां पंजाब का हित होगा सिद्धू को खड़ा पाओगे। आईएनएस रिपोर्ट।